नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चौधरी अपने YouTube चैनल स्टडी विद नवीन चौधरी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जो हमारी एक्ट्स चार्टर एक्ट्स की सीरीज चल रही है, तो मैं आज आपको चार्टर एक्ट्स बताऊंगा इसमें। और आज जो मैं चार्टर बताऊंगा वो बताऊंगा 1833 का चार्टर, ठीक है दोस्तों। उससे पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, पेड़ लगाइए, धरती बचाइए, सेव अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान को अपने जीवन में एक पेड़ जरूर, एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पौधे ही ऐसे हैं जो हमारे यहाँ के पॉल्यूशन रेट को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं, हम सीधा यहाँ से। इसका क्या कारण था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, जो 1833 का चार्टर आया इसमें क्या स्थिति थी। तो सबसे पहली स्थिति ये थी कि 1813 के बाद भारत में यूरोपियन की संख्या बढ़ती गई। मैंने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ाया है इससे पहले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे पढ़िएगा ज़रूर। अगर आप 1773 से लगातार जितने भी एक्ट्स आए अगर आप उन्हें पढ़ेंगे ना, तो आपको आधा संविधान समझ आ जाएगा क्या क्या हुआ और वो चीज़ें आज के संविधान में कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसके कारण यूरोपीय आने शुरू हो गए, क्योंकि 1813 में एक व्यवस्था बिगड़ी थी, फ्रांस से लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की, जिस कारण से कंपनी के बहुत सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए और चाय पर और चीन के साथ व्यापार बस अधिकार रह गया, बाकी सारी चीज़ें अलग कर दी गई, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें आई। उसके बाद जो व्यापारिक एवं धार्मिक उद्देश्यों से भारत के नगरों में रहने लगे थे, कहने का मतलब 1813 के बाद जो व्यापारी आ रहे थे वो भारत के नगरों में केवल दो उद्देश्य से आते थे, या तो उन्हें धर्म का प्रचार करना था, मिशनरीज आ रहे थे ना, या फिर उन्हें यहाँ पे व्यापार करना था, क्योंकि कंपनी से व्यापार का एक अधिकार तो छिन चुका था दो चीज को छोड़ के। उसके बाद बात करें राजनीतिक एकाधिकार समाप्त की होती अवधि, जो राजनीतिक एकाधिकार था उसकी भी पकड़ छूटती जा रही थी करीब करीब उस वक्त, किनकी, जो संसद थी, मतलब वहां की जो इंग्लैंड की संसद थी उसकी पकड़ भी ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोड़ी कम होती जा रही थी। तो इसलिए उसने सोचा कि दोबारा से एक एक्ट लाया जाए ताकि कंपनी को दोबारा से सही से बांध के रखा जा सके। अगली बात यह है कि ब्रिटेन की सरकार पर अन्य कंपनियों का ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त करने का दबाव बनाया गया। इसका कारण यह रहा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो अधिकार क्षेत्र रह गए, तो और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी सारा अधिकार है वो समाप्त कर दिया जाए, वो व्यापार नहीं करे क्योंकि बहुत दिन से कर रही है। अब इस दबाव के कारण जो ब्रिटेन की सरकार थी, दबाव में उसने फिर एक और एक्ट लाया जो कि इसके बाद आया 1833 का, क्योंकि हर 20 साल के लाइसेंस रिन्यू होता था, तो 13 में 20 साल के लिए हुआ था, तो इस बार दोबारा से 20 साल के रिन्यू होना था। तो आगे शुरू करते हैं चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है दोस्तों। चार्टर अधिनियम 1833 के प्रावधान क्या क्या हैं, पहला प्रावधान ये था इसके अंतर्गत कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। देखा, इससे पहले में तो कुछ एकाधिकार छोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल 100% एकाधिकार समाप्त कर दिया कि अब आप व्यापार नहीं करेंगे भारत देश में, क्या करेंगे, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था, भारत पर शासन करने का आप कार्य करेंगे और वो आप जो काम करेंगे वो करेंगे ब्रिटिश सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे एक शब्द आया था, अभी आगे बताऊंगा, देखिएगा अभी, तभी आपको समझ में आएगा, पहले बता दूंगा तो मजा नहीं आया कहानी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर देगा, कहने का मतलब जो व्यापारिक की तरह जो कार्य करती थी वो सारी चीजें रोक दी गई कि अब व्यापारिक तरह काम नहीं करेंगे। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, विशुद्ध, शुद्ध का भी उच्चतम, शुद्ध से जो सबसे जो सर्वोच्च शुद्ध होता है उसको बोलते हैं विशुद्ध, कहने का मतलब बस अब यह राजनीति करती थी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी और कोई काम नहीं करती थी। इसमें क्या था कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है ना, जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनते थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल पद से मुक्त हो गए और भारत के गवर्नर जनरल अब कहलाने लगे। और सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल जो बने वो थे विलियम बेंटिक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था, भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल जो थे अंग्रेज गवर्नर जनरल वो विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बंबई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया, कहने का मतलब जैसे तीनों प्रेसिडेंसियों को अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में विधि बनाने की शक्ति दे दी गई थी,
वो तो वापस ले ली। और जो गवर्नर जनरल होगा ना, भारत का गवर्नर जनरल, उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया। उस विधि सदस्य को कहीं भी मत देने का अधिकार तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक विधि सदस्य जोड़ देगा, वो बनाएगा अब कानून। कहने का मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल कानून बनाएगा अब वो पूरे भारत पर लागू होगा। और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों का जो स्थिति थी कि अपने लिए कानून बनाते थे, वहाँ के जो गवर्नर जनरल होते थे वो, उनकी भी अपनी कार्यकारिणी परिषद होती थी, वो सब खत्म कर दिया गया। मतलब आगे कह रहे हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। कहने का मतलब लेजिस्लेचर का जितना भी कॉन्सेप्ट होता था, लेजिस्लेचर के हाथ में जो कुछ आता है वो सारा का सारा दे दिया गया भारत गवर्नर जनरल के हाथ में। कहने का मतलब ही विल वर्क लाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ये कह रहे हैं कि ये पूरे भारत का एक राष्ट्रपति की तरह काम करने लगेगा, उनके बिहाफ पे काम करेगा भारत के लिए ही, लेकिन बिहाफ होगा क्राउन का। पर अभी क्राउन के अंडर में पूरी तरह से नहीं आया था, अभी तो संसद के अंडर में बात चल रही थी, क्योंकि ये इन्होंने अपने चार्टर में नियम रख दिए कि हमारी ये शर्तें हैं, आप मानते हैं तो हम लाइसेंस आगे बढ़ाएं। तो इसमें 1833 में जो ये 20 साल के लिए बड़ा लाइसेंस, वो इस तरह से बढ़ा। फिर क्या, कानून निर्माण की प्रक्रिया जटिल हो गई, मात्र बंगाल तक सीमित थी। दरअसल पहले जो कानून निर्माण की प्रक्रिया थी, जो बंगाल का गवर्नर था बंगाल के लिए बना था, मद्रास का मद्रास के लिए, मतलब सॉरी वो क्या बोलते हैं, हाँ मुंबई का मुंबई के लिए बनाता था, बंगाल का बंगाल के लिए बनाता था, और जो तीसरा गवर्नर जनरल था, तीन ही प्रेसिडेंसी थी, तीनों गवर्नर जनरल अपने अपने लिए अलग अलग कानून बनाते थे। अब क्या किया गया, ये खत्म कर दिया। कानून बनाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होगी, ऐसे नहीं बनेगा, तमीज से बनेगा, प्रॉपर वे चैनल से बनेगा। क्या कि अतः कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। देखा, मैं आपको बता रहा था कि एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया, मैंने आपको पहले बताया था। और जो विधि सदस्य जोड़ा गया था, लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा में विकास किया है, विधि सदस्य मतलब एक विधि बोले जो आप आईपीसी पढ़ते हो ना, इंडियन पेनल कोड, वो भी लॉर्ड मैकॉले ने दिए, लॉर्ड मैकॉले या मैकॉले जो आप पढ़े है ना। क्या, अतः कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकॉले की नियुक्ति की गई। अब बात समझे, लॉर्ड मैकॉले संबंधित क्वेश्चन आ जाए, परंतु इसे अंशकालिक सदस्यता ही दी गई थी, मत देने का अधिकार नहीं था। कहने का मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें अंशकालिक सदस्य होगा, अपना कार्य करेगा, अगर कहीं मत की आवश्यकता होगी तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मत नहीं चाहिए उससे। और गवर्नर जनरल को दास प्रथा के संबंध में कदम उठाने का आगे, कहने का मतलब विलियम बेंटिक ने दास प्रथा खत्म करने के लिए भी कदम उठाए। क्या, तो 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। समझ आया, ये जो चार्टर बना इसमें दास प्रथा को उन्मूलन के लिए कहा गया था, तो 1843 में इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। अधिनियम की धारा 87 के तहत, जो अधिनियम आया था यहाँ का, के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को, मतलब कंपनी में कोई भी आदमी पद धारण कर सकता है। अब ये वो वाली बात आ रही है जो स्वतंत्रता हम पढ़ते हैं कि धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य ना ठहराया जाने का उपबंध किया गया। यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, रंग, जाति के आधार पर समानता का अधिकार दे दिया गया। यहां से कौन सी, अधिनियम की धारा 87। समझ रहे ना आप, जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा संविधान में क्या क्या चीज कहां कहां से जोड़ी और सबने कैसे कैसे लिया है। अगला कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। कहने का मतलब जो बजट हम आज बनाते हैं, वो बजट की जो नींव रखी गई थी वो यहां से रखी गई थी 1833 के चार्टर से। 1833 के चार्टर में कहा गया था कि पूरे भारत के लिए आप एक सिंगल बजट बनाएंगे जो कि पूरे भारत पर लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक पॉइंट याद कर लीजिएगा। जो आज हम आईएएस की परीक्षा देते हैं या कोई भी यूपीएससी परीक्षा करें, यूपीएससी कहने का मतलब संघ लोक सेवा आयोग की एक तरह से एक प्रकार का संघ लोक सेवा आयोग की गठन की बात हो रही है। कहने का मतलब भारत देश में जो संघ लोक सेवा आयोग गठन, वो बाद में हुआ, लेकिन उस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं का जो शुरुआत हुई वो इस चार्टर अधिनियम के तहत हुई 1833 के अंतर्गत, जिन्हें आईएएस, आईएफएस, आईआरएस जो होते हैं ना, वो इसके अंतर्गत हुई। समझ आया। नेक्स्ट, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। कौन सा प्रावधान, ये जो था प्रतियोगिता कराने का। फिर इसमें दरअसल दो थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने बताया था ना सीओआई और वो जो थे कंपनी के जो थे, तो इनके कारण कहा नहीं ये बात नहीं मानी जाएगी, तो नहीं मानी जाएगी, तो इसलिए इस प्रावधान को बाद में मना कर दिया गया। क्या, भारतीय कानूनों का
संहिताकरण करने हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया और लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था। सवाल पूछा जाता है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और क्या बनाया गया, भारतीय कानूनों का संहिताकरण, यानी कि IPC इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये उसी की बात हो रही है कि भारतीय कानूनों का संहिताकरण करने हेतु एक विधि आयोग बनाया गया। समझ गए, यहाँ पे विधि आयोग बना दिया जिसने IPC बनाई, और IPC बनाने का श्रेय जाता है लॉर्ड मैकाले को। और पूछा था शिक्षा में जो परिवर्तन है, शिक्षा में सुधार का श्रेय भी लॉर्ड मैकाले को ही जाता है। ठीक है, तो विधि आयोग को गठन किया गया और लॉर्ड मैकाले के अंदर, और लॉर्ड मैकाले इसके सबसे पहले अध्यक्ष बन गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था 1833 का चार्टर। प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, आप इसे जरूर पढ़ें। मैं सारे चार्टर्स वन बाई वन करा रहा हूँ, अगर आप इन सभी को पढ़ लेंगे ना, तो आपको संविधान जो है ना, आप बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ेगा कि संविधान में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चार्टर आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कौन सा चार्टर आएगा 1833 के बाद। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार।